सरकारी दावों से बिल्कुल अलग यहाँ पर अस्पतालों में बेड्स की किल्लत, ऑक्सीजन की कमी, साथ ही दवाओं की किल्लत जिसका सामना आम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले रिपोर्ट लखनऊ की, जहां पर हालात कुछ और ही कह रहे हैं सरकारी दावों से, देखिए। सेम साहब सुन रहे हैं तो सुनिए मेरी बात, जान देते बताइए क्या, अपने बताइए जहाँ बताओ, मैं मुंह दिखा रहा हूँ अपने, मैं अपना मुंह दिखा रहा हूँ सर, कुछ तो कर दीजिए कम से कम, जो मर उनको बचाइए, ठीक है, बाकी चलो कोई बात नहीं, आप लॉकडाउन में जो करना करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, मर रहे मेरे बाप, मेरे उनको तो बचा लीजिए कम से कम, नहीं तो हम अपनी जान देते बताइए जाकर के। लखनऊ में लोग अस्पताल में बेड के लिए जान तक देने की बात कर रहे हैं, ताकि वो अपने परिजनों और रिश्तेदारों को एम्बुलेंस या फिर अस्पताल के बाहर तड़पते हुए न देखे। मेरी माँ चली गई 3 बजे, लेकिन मैं खड़ा हूँ सामने, अभी कल उनका 10वां मैं करके आ रहा हूँ घर से, हैं? तभी मैं दौड़ रहा हूँ कि मेरे बाप बच जाए कुछ तरीके से। जिस वक्त लोग शोक मनाते हैं, दुर्भाग्य देखिए, एक बेटे को अस्पताल में व्यवस्था से लड़ना पड़ रहा है। सरकार कहती है दवा से लेकर ऑक्सीजन किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर क्यों सुनील जैसे लोगों को अस्पतालों की चौखट पर बार बार आना पड़ रहा है, ये बड़ा सवाल है। फादर को मैं कैसे भर्ती कराइए सर, लगा लीजिए सुरक्षा के लिए सर, मैं परेशान चुका हूँ, सुबह दौड़ा बताइए मैं कहाँ तक मरूंगा, बताइए अस्पताल में क्या कहते हैं, कहीं कुछ सही नहीं चल रहा है सर, जब हर जगह मना कर रहे हैं, कम से कम बैठ तो दिए मेरे फादर, कम से कम सारा एक्सपीरियंस तो मिले पॉजिटिव सर, कुछ नहीं सर, 74 से नीचे है, बताइए घर पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कहाँ साहब तो कह रहे हैं सब जगह खाली है, कहाँ दिखे सर, मैं हर जगह दौड़ में खड़ा हूँ सामने ना, बताए कौन बता रहा है, मैं बलरामपुर दौड़ चुका हूँ, ठीक है, केजीएम से भाग के मैं चला आ रहा हूँ, बताइए यहाँ नहीं है कुछ नहीं सर, बताइए कहाँ चले बताइए। ये हाल लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का है, जहां आज तक की टीम को अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस में इस तरह बेड के लिए लोग इंतजार करते हुए मिले। हम इस वक्त केजीएमयू के कोविड कमांड सेंटर में हैं, जहां पर आकर के मरीजों को भर्ती करने का काम किया जाता है, और हम आपको बताना चाहते हैं कि सरकार का दावा है कि कहीं कोई कमी नहीं है और हर जगह जगह खाली है, बेड खाली है, ऑक्सीजन है और सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन ये सरकार की तरफ से चलाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण केजीएमयू है, जहां पर भर्ती करने की बात है, तो आप देख सकते हैं यहां पर 2 पेशेंट्स अभी भी एम्बुलेंस में बैठे हुए हैं जो भर्ती होने के लिए इंतजार कर रहे हैं, पीछे के एम्बुलेंस में 2 पेशेंट बैठे हैं और यहां एक महिला इस एम्बुलेंस में बैठी हुई है जो कि इंतजार कर रही हैं कि उनको किसी तरीके से भर्ती किया जाए, लेकिन यहां ना बेड खाली है ना ही कोई मदद करने वाला है, हम आप इनसे दूर से बात भी करने की कोशिश करते हैं, ये बताइए आप कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है, 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है, तो क्या बोला जा रहा है? ये ट्रॉमा सेंटर से यहां भेजा गया कि यहां पर जगह नहीं है, क्या बेड नहीं, वहाँ से बता के भेजा गया, यहाँ पे आप जाइए 2 मिनट में हो जाएगा खाली है, हम लोग कैजुअल्टी में थे केजीएमसी ट्रॉमा सेंटर में, अब यहाँ आके 45 मिनट से हमारा मरीज मरने के कगार पे है, यहाँ बता रहे हैं बेड नहीं खाली, वहाँ वापस लेने को तैयार नहीं। अच्छा, तो आप दूसरी जगह से यहाँ भेज दिया गया? आखिर मरीजों को बेड क्यों नहीं मिल रहे, क्यों उन्हें एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में भेजा जा रहा है, इन आरोपों का जवाब जानने के लिए आज तक संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव ने जब अस्पताल के डॉक्टरों से बात की तो पता चला कि मरीजों की तरह डॉक्टर और अस्पताल का स्टाफ भी मौजूदा सिस्टम का शिकार है। इतना जान लीजिए कि जो भी डिपेंडेंसी है वो सिर्फ लोअर स्टाफ के ऊपर, जेआरस है, एसआरस है, ये लोग टोटली काम कर रहे हैं। क्या काम करते हैं भैया? वार्ड बॉय के काम करते हैं। तो आप ही लोगों सारा काम करा जाता है? भैया सब कुछ करवाया जाता है हम लोगों से। तो बड़े डॉक्टर क्यों नहीं करते? यहाँ तक हमारे जो सीनियर डॉक्टर वो तो यहाँ कह देते हैं कि अगर आप पॉजिटिव हो गए तब भी आपको ड्यूटी करना है। हाँ, SpO2 आपका चेक किया जाता है, हाँ, कि आप पॉजिटिव हैं जब तक जिंदगी है चलते रहो, मर जाओगे तो कोई मतलब नहीं। मतलब आपको इलाज भी नहीं जाता? कुछ नहीं, हम लोग अगर पॉजिटिव कोई स्टाफ आता है तो उससे भी ड्यूटी करवाया जाता है जबरदस्ती। सोचिए जब इलाज करने वालों की ऐसी मानसिकता होगी तो वो क्या तो इलाज करेंगे और क्या मरीज से संवेदना जताएंगे, लेकिन सवाल ये है कि फिर सरकार किस आधार पर सब कुछ ठीक होने का दावा कर रही है, क्या प्राइवेट अस्पतालों की बात अलग है, क्या वहाँ पर हालात इससे बेहतर है, इन सवालों का जवाब आज तक संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव को KGMU के सामने सिप्स नाम के अस्पताल के दरवाजे पर ले गया, जहाँ इस सवाल का पुख्ता जवाब दीवार पर चस्पा था। आपको सूचित किया जाता है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हो जाने और सरकार की तरफ से ऑक्सीजन की उपलब्धता न होने के कारण हम कोविड के नए मरीजों को भर्ती करने में असक्षम हैं। मरीजों की असुविधा के लिए हमें खेद है। आपको जानकर हैरानी होगी
कि जिस लखनऊ में लोग बेड के लिए भटक रहे हैं, उसी यूपी की राजधानी के इस अस्पताल में कुछ बेड खाली पड़े हैं, जो कई लोगों की जान बचा सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की कमी ने ऐसे अस्पतालों के हाथ बांध दिए हैं। कि क्या यहाँ पर बेड्स खाली हैं, सारी सुविधाएं हैं? सर, हमारी तरफ से सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन हमको ऑक्सीजन की सप्लाई फ्रिक्वेंटली नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से हमारे कुछ बेड्स खाली हैं। अच्छा, तो आप भर्ती ले पा रहे हैं उस पर नहीं? सर, जब ऑक्सीजन ही नहीं है तो हम भर्ती कैसे ले पाएंगे? तो अभी बीच में ये जो ऑक्सीजन की बात सरकार कह रही थी कि पूरी सप्लाई हो रही, मिल रही है, क्या नहीं मिल रही है? सर, आ रही होगी, बिल्कुल आ रही होगी, लेकिन अभी हमको फ्रिक्वेंटली नहीं मिल पा रही है। अच्छा, इसी वजह से दिक्कत हो रही है, यानी कमी है कहीं? बिल्कुल, ऑक्सीजन सप्लाई करके यहाँ बेड्स की संख्या को इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन ये अव्यवस्था का ही आलम है कि यहाँ पर न तो बेड्स इस्तेमाल हो पा रहे हैं और न ही ठीक से ऑक्सीजन दे करके मरीजों की मदद हो पा रही है। कैमरामैन अमित राज गुप्ता के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।